साथ अच्छा पा लिया है यार। वहाँ देखिए इंडिया और पाकिस्तान के फैंस भी जुड़ चुके हैं। क्या बातचीत बोल रहे हैं सुनते हैं वहाँ से क्या आज जब इनकी परफॉर्मेंस देखिए इनका सारा कुछ मेरे सामने आ गया कि ये टीम जो इंडियन दोस्त कहते थे कि ये 267 नहीं कर सकती थी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये टीम शायद 267 नहीं कर पाती। आप ये बातें सुनील गावस्कर साहब भी सुन रहे हैं, मदन जी भी सुन रहे हैं, जी मतलब बड़ी जीत है ये इंडिया की। हालांकि देखिए कल आई थिंक श्रीलंका के साथ सबसे पहले बहुत बड़ी जीत है, और विराट का फॉर्म में आना, केएल राहुल का फॉर्म में आना, और हमारी ओपनिंग चलना बहुत बड़े साइन है टीम इंडिया के लिए। 128 पे उनको आउट करना, बिल्कुल बिल्कुल 128 पे, और साथ के साथ प्लेयर भी इंजर्ड हो गए। अब पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा आई डोंट नो, बट टीम इंडिया आज जीता है, बड़े मार्जिन से जीता है, तो बस आज से ही काउंटडाउन शुरू, एशिया कप भी फाइनल में इंडिया। बहुत सही बात है आपने, कोई एक बैट्समैन भी मुझे ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा था, लेकिन कोई ऐसा बैट्समैन इतनी किसी स्टाइल से ना कोई गेंद को भी नहीं रोक रहा था, ऐसे लगा जैसे ठहरे हुए हैं, डर के खेल रहे हैं इंडिया के साथ। तुम डल खेल रहे दो दिन में पाकिस्तान के हम शरीर प्यार होगी आपके लिए, हम बारिश में साधन सीधा शरीर होते रहे स्टेडियम के अंदर, पाकिस्तान से हम लोग आए हुए पूरी दुनिया से याद हो जाए हुए, और तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी कचरा परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, एक दिन में झुकेगा तो उनका क्या होगा, ना बॉलिंग ना बैटिंग ना फील्डिंग, तो टीम नहीं नजर आ रही थी। चाचा को लेके जाओ आराम से, चाय वगैरह फाइनल में, लेकिन इक्वेशन भी बदल गई है ना, एक तो इंडिया ने कल ही श्रीलंका को खेलना है, इंडिया में लास्ट ओवर डाल दिए, अब सवाल तो पाकिस्तान में भी आ जाएगा ना, अगर पाकिस्तान श्रीलंका में हार गया तो इन कंडीशन में अच्छा स्पिनर बैट गया तो हो सकता है पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में ना पहुंचा। ठीक है, वो इसने 0.7 भी दिखाया था एक बार।